हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉप 5 के बेस्ट TWS ईयरफोन्स। आज के डेट में बहुत से लोगों को नेक बेंड से प्रॉब्लम होती है, नेक में लटका रहता है, दौड़ने में, भागने में, काम करने में, बहुत सारी चीजों में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। इन सबसे दूर आप अगर TWS का यूज करते हैं तो वो साइज में बहुत छोटा होता है, लाइट वेट होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसमें जो हमें नेक बेंड से TWS में शिफ्ट होने में मदद करती हैं। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं, टॉप 5 बेस्ट TWS के बारे में। तो इस लिस्ट में 5th नंबर में है बोट कंपनी का ईयरडॉप्स 181। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है जो कि सबसे लेटेस्ट है। फिर 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं जो कि म्यूजिक सुनने के एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। आपके म्यूजिक लाउड है, अच्छा है और क्लियर है। इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो सिंगल चार्ज में 4 घंटे चलता है ये ईयरबड्स और टोटल 20 आवर्स की इसमें बैटरी बैकअप दी गई है केस के साथ। ये ईयरफोन IPX4 के साथ आता है जो कि वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस होता है। वहीं बात करूं तो इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी दिया हुआ है जो कि एक अच्छी बात है। वहीं इसमें फास्ट चार्जिंग भी दी हुई है। तो प्राइस के हिसाब से ये एक अच्छा ईयरबड है। ये आपको फ्लिपकार्ट में 1799 रुपीज के रेट में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने 4th नंबर के बेस्ट TWS में जो कि है Realme Buds Q2 Neo। ये भी ब्लूटूथ 5.2 के साथ आता है, 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, 5 घंटे की बैटरी बैकअप देता है सिंगल चार्ज में और केस के साथ 20 आवर्स। ये TWS भी IPX4 रेटिंग के साथ आता है, साथ में इसमें एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाता है। वही बात करूं इसकी चार्जिंग की तो ये भी फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। इसमें हमको एक छोटा सा एक्स्ट्रा चीज ये मिल जाता है कि इसमें गेम मोड आता है जो कि 88ms लेटेंसी के साथ आता है। गेमर्स के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, 88ms भी थोड़ा ज्यादा ही होता है, लेकिन फिर भी आप इसमें गेम खेल सकते हैं। पर बात करूं प्राइस के हिसाब से तो अपने प्राइस को फुल्ली जस्टिफाई करता है ये आपको 1599 रुपीज की प्राइस में फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। वही बात कर लेते हैं अब हम अपने 3rd नंबर के TWS के बारे में जो कि है Realme की ही तरफ से, Realme का एक सब ब्रांड। इसका नाम है Deezo GoPods Neo। ये आपको Flipkart में 1799 रुपीज की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से स्पेक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बात करूं इसमें ब्लूटूथ की तो ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट दिया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ में 10mm के डायनेमिक ड्राइवर भी दिए हुए हैं जो कि म्यूजिक सुनने के हमारे एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा अच्छा कर देगा। उसके बाद सबसे अच्छी बात है इसका बैटरी बैकअप। सिंगल चार्ज में 6 से 6.5 घंटे का बैटरी बैकअप देता है आपको आपका ईयरबड। वही बात करूं केस के साथ तो केस के साथ इसका बैटरी बैकअप बढ़ के 28 आवर्स हो जाता है जो कि काफी अच्छा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। वही बात कर लें अगर इसके वाटर रेजिस्टेंस की तो इसमें IPX5 आता है जो कि काफी बेहतर है IPX4 से। इस ईयरबड में भी आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट मिल जाता है जो कि बात करने के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद बात करूं तो इसमें भी एक गेम मोड आता है जो कि 88ms लो लेटेंसी के साथ आता है। अब बात कर लेते हैं हमारे टॉप के 2nd ईयरबड के बारे में जो कि ट्रूक कंपनी की तरफ से आता है, ट्रूक ईयरबड्स S2। इसमें हमें ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही बात करें अगर ड्राइवर्स की तो 10mm के इसमें भी ड्राइवर्स मिल जाते हैं। इसका टॉप 2nd में रहने का सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा मकसद है, वो है इसका बैटरी बैकअप। ये सिंगल चार्ज में 9 से 10 घंटे चलता है। आप सही सुन रहे हैं, 9 से 10 घंटे बहुत होते हैं एक छोटे से ईयरबड्स के हिसाब से। वही बात करूं केस के साथ तो केस के साथ इसकी बैटरी बैकअप बढ़ के हो जाती है 48 आवर्स। चलता फिरता पावर बैंक है भाई ये। वहीं बात करूं इसके डिजाइन की तो बाकी हेडफोन से, बाकी ईयरबड से ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिजाइन इसका फर्क है। इसमें स्लाइडर आता है, डिजाइन के मामले में बहुत ही बेहतर डिजाइन दिया गया है। ये भी IPX4 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस आता है और साथ में आपको इसमें ENC भी देखने को मिलेगा, एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन। तो वहीं अब आ जाते हैं हम अपने टॉप 1 के ईयरबड्स में जो कि जब से लॉन्च हुआ है तब से सबसे बेहतर है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। ये आता है ओप्पो कंपनी की तरफ से, ओप्पो एंको बर्ड्स। ये आपको 1798 रुपीज की प्राइस रेंज में Amazon में मिल जाएगा। इसमें भी ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट दिया गया है जो कि बहुत अच्छा है। 8mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत बेहतरीन काम करते हैं।
साथ में इसमें आपके साउंड के लिए डॉल्बी एटम्स दिया गया है जो कि बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक आपको एक्सपीरियंस करवाता है। बात करूं इसके बैटरी बैकअप की तो बैटरी भी 5.5 से 6 घंटा आराम से चल जाती है सिंगल चार्ज में। वहीं केस के साथ बात किया जाए तो 24 घंटे का इसमें आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। स्मार्ट टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, IP54 की रेटिंग मिल जाती है जो कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस होता है। साथ में इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, जब भी आप फोन में बात करेंगे तो बाहर के नॉइसेस को वो हटा देगा और सिर्फ आपकी आवाज सामने वाले तक पहुंचेगी। उसी के बाद बात करें तो इसमें भी गेम मोड आपको मिल जाता है जो कि 80 ms तक होता है, तो इसे आप नॉर्मल गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इन सारे ईयरबड्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोगों को इसे ढूंढने में आसानी हो और आप वहां से बाय कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।